हेलो फ्रेंड्स, नीना रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बाजरे का डोसा बना रहे हैं। अब इस बाजरे के डोसे में देखिए, हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये इंस्टेंट बाजरा डोसा है। एक बाजरा, समूचा बाजरा आता है, उसमें उड़द की दाल मिलाकर भिगो कर भी आप बाजरा का डोसा बना सकते हैं। दूसरा है बाजरे का जो आटा आता है, उसको भी आप दही लगाकर मिला लीजिए, ऐसी कंसिस्टेंसी में बनाकर भी आप उस डोसे को बना सकते हैं। ये डोसा जो हम बना रहे हैं, ये इंस्टेंट डोसा है। ये बैटर बाजार में आसानी से मिलता है, इसको लाकर आप फटाफट बाजरे का डोसा बना सकते हैं, क्योंकि बाजरा जो है ग्लूटेन फ्री होता है, पेट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब हम चलते हैं इसका डोसा बनाने। इसके लिए हमने एक पैन चढ़ाया है। पैन देखिए हमारा हल्का गर्म हो गया है, आँच को धीमा रखिएगा। अब इसमें हम 2 चमचा बैटर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फैलाएंगे। आँच तवा बहुत तेज नहीं होना चाहिए, नहीं आपका जो डोसा है वो क्रिस्पी नहीं बन पाएगा और ना अच्छी तरह से आप इसको फैला पाएंगे। अब इसको थोड़ी देर इसी तरह पड़ा रहने दीजिएगा और चारों तरफ इसके थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा। आंच को इस समय अब मीडियम कर दिएगा। आंच पहले हमने धीमी रखी थी, अब थोड़ी सी मीडियम कर दिएगा। जब ये नीचे से पूरी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए तब आप इसको टर्न करिएगा। अब जब नीचे से पूरी तरह से क्रिस्पी होगा तब इसको हम टर्न करेंगे। ये देखिए ऊपर से ही दिख रहा है, ये पूरी तरह से क्रिस्पी हो गया। अब इसको हम टर्न करेंगे। कुछ देखिए कितना बढ़िया बाजरे का डोसा बनकर तैयार हुआ है। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। बाजरे के साथ, डोसे के साथ खाने के लिए हम बनाएंगे मूंगफली की इंस्टेंट चटनी, जो फटाफट बनाकर 1 मिनट में तैयार होती है। इसके लिए देखिए हमने ये भुनी हुई मूंगफली ली है। आपके पास अगर इस तरह छिली हुई नहीं, आप छिलके वाली भी ले सकते हो। हल्की से उसको रोस्ट कर लीजिएगा बिना ऑयल के। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे, ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, इसके साथ हम धनिया, ज़्यादा सारा धनिया डालेंगे। और इसी के साथ हम थोड़ी सी करी लीव डालेंगे, इससे भी इसका चटनी का फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा। और इसमें हम थोड़ी सी अदरक डालेंगे, 2 सूखे लाल मिर्चे डालेंगे, इसकी जगह आप हरे मिर्चे का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, हम ये 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं। और इसको कवर करके हम एक बढ़िया सी चटनी तैयार करेंगे। ये देखिए 1 मिनट भी नहीं लगा, हमारी मूंगफली की इंस्टेंट चटनी बनकर तैयार हो गई। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें छोटा सा तड़का लगा सकते हैं। 1/2 चम्मच ऑयल लीजिएगा, थोड़ी सी सरसों, 1/2 सूखा मिर्चा और इसको लगा सकते हैं तड़का। तड़का लगाने से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब इसमें तड़का लगाकर हम इसको डोसे के साथ सर्व करेंगे। अब चटनी के लिए हम तड़का बना रहे हैं। तड़का डाल देने से चटनी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, इसलिए और 1/2 स्पून मिर्चा डालेंगे और 2-3 करी लीव डालेंगे। अब इस तड़के को हम चटनी के ऊपर डाल देंगे। चटनी हमारी बनकर तैयार है, अब इसको डोसे के साथ सर्व करते हैं। बाजरे का क्रिस्पी डोसा हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये सबसे आसान तरीका है बाजरे का डोसा बनाना। हमेशा की तरह आपको ये रेसिपी हमारी अगर पसंद आती है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। अगर ये डोसा आपको पसंद आया है तो बढ़िया बढ़िया कमेंट लिखिएगा। इसी तरह की एक हेल्दी रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।